50 खबरों के बाद इस वक्त बड़ी खबर, सरकार के खिलाफ कल होने वाले अविश्वास प्रस्ताव को लेकर खेमेबाजी तेज हो गई है। सरकार और विपक्ष दोनों किलेबंदी में जुटे हुए हैं। नंबर गेम में सरकार कहीं से भी हारती दिखाई नहीं दे रही, लेकिन 2019 चुनाव से पहले दोनों खेमे शक्ति प्रदर्शन जोर आजमाइश में पीछे नहीं दिखना चाहते। टीडीपी के प्रस्ताव को आज आम आदमी पार्टी का साथ मिला, जो विपक्षी गठबंधन में खुद को अलग थलग पा रहे थे, तो वही AIDMK ने टीडीपी के प्रस्ताव के खिलाफ जाने का फैसला साफ कर दिया है कि 2019 में तमिलनाडु की सियासत किस करवट लेगी। लेकिन शिवसेना का रुख अभी साफ नहीं है। अब तक अपनी ही पार्टी के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा इस बीच सरकार के समर्थन का ऐलान कर रहे हैं। चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों अपने अपने खेमेबंदी यहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ में मजबूत अपना पक्ष किया जाए। लेकिन इसी बीच अलग अलग रिएक्शंस भी मिल रहे हैं। यहां पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस पार्टी से ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कह रहे हैं, आपको सबसे पहले ये सुनवाते हैं। सरकार को जनता का आशीर्वाद है। मोदी जी आज भारत ही नहीं दुनिया के एक लोकप्रिय नेता हैं, देश के विकास का काम कर रहे हैं, देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपना नो कॉन्फिडेंस लाया है, हम प्रामाणिकता से जवाब देंगे, अपनी बात रखेंगे और निर्णायक बहुमत से जीतेंगे। आज किसान त्राई त्राई घूम कर अपने आप आत्महत्या कर रहा है, ये कहना कि हम महिलाओं का हिफाजत करेंगे और आज बलात्कार की राजधानी मेरी प्रदेश बन चुकी है, पूरी तरह से ये सरकार नाकाम हो चुकी है, जनता परेशान हो चुकी है, जनता असुरक्षित है और जनता इनको अब सबक सिखाएगी। तो टीडीपी ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है और ऐसे में आज आम आदमी पार्टी से सीधे मुख्यमंत्री केजरीवाल से मुलाकात करके उनसे समर्थन की बात भी कही, लेकिन YS चौधरी क्या कह रहे हैं टीडीपी से और साथ ही अनंत कुमार पार्लियामेंट्री मंत्री, उनकी बात भी सुनते हैं। सोनिया जी की गणित कमजोर है, वो आंकड़ा नहीं लगा पाती, यानी 96 में 96 में भी ऐसे आंकड़ा लगाए थे, बाद में क्या हो गया वो दुनिया के सामने है। इस बार भी गणित कमजोर होने के कारण फिर से आंकड़ा सही नहीं निकल रहा है। मोदी सरकार का बढ़ती समर्थन है। Our party have actually moved and this is the decision of our party to seek support from each and every political party of this nation except BJP. So we are meeting each and everyone. We are expecting proper support. वहीं सरकार की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी और शिवसेना जिसका रुख अब तक साफ नहीं है, संजय राउत क्या कह रहे हैं, आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। नंबर्स आपके साथ नहीं है लेकिन क्या अपोजिशन यूनाइटेड है? देखिए अपोजिशन नहीं लगाना पड़ेगा, ये बात है वो नहीं दे रहे। ये बात ऐसी है कि अगर लोग मोशन का प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर विचार किया है उसके पर बहस हो, बहस में दोनों तरफ से चर्चा हो, जरूर शिवसेना एक बड़ी पार्टी है, टेक्निकली एनडीए की मेंबर है, लेकिन जो बात हमको रखनी है जो 4 साल से हम लगातार हमारी बात भूल जाए हम कल भी बोलेंगे, ऐसे मुद्दे हैं कश्मीर का मुद्दा है। जिनका कॉन्फिडेंस सड़क पे सड़क के लोगों का कॉन्फिडेंस जिन पर नहीं रहा, जिन लोगों पर नहीं रहा, वो लोग जो है वो संसद में कॉन्फिडेंस का एक औपचारिकता पूरी करना चाहते हैं और करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मकसद और मंशा भी साफ हो जाएगी कि विपक्ष ने पिछले जो सत्र को वॉश आउट किया इस नाम पे,
तो इनके पास इनके तर्कश में कौन से तर्क थे या तुक्के थे वो पता लग जाएंगे। तो सरकार यहां पर पूरी तरह से आश्वस्त है अपने आंकड़े को लेकर, नंबर को लेकर, कि नंबर उनके पक्ष में है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं कि नंबर गणित इस वक्त क्या कहता है। कुल 534 सीट अभी, क्योंकि 10 सीटें खाली हैं, और इस लिहाज से बहुमत का आंकड़ा बनता है 268। अब विपक्ष जो है इस वक्त उसके पास जो नंबर्स हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। यूपीए 63, एआईएडीएमके 37, टीएमसी के पास 34 सांसद हैं, बीजेडी के पास 20, टीडीपी के पास 16, जिसने अविश्वास प्रस्ताव मूव ऑन किया, आगे प्रस्तुत किया है, तो वहीं टीआरएस के पास 11, यानी कुल 222 यहां पर सांसद विपक्ष के पास। लेकिन बहुमत का आंकड़ा क्योंकि बीजेपी के पास है 273, तो अपने ही सांसद हैं, लेकिन अगर कुल एनडीए की बात करें तो 311 ये आंकड़ा हो जाता है, जो कि 268 से काफी ज्यादा है। यानी सीधे सीधे तकनीकी तौर पर कोई परेशानी यहां पर आंकड़ों को लेकर सरकार को नहीं है, लेकिन क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर अब कल चर्चा होनी है, ये प्रस्तुत हो चुका है, स्पीकर ने नोटिस भी स्वीकार कर लिया है, तो कल के लिए बहस का दिन सुनिश्चित किया गया है। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा मौजूद हैं, लगातार हमें सदन में जो भी हैपनिंग्स हैं उनकी उनको लेकर अपडेट भी कर रहे हैं। अब हिमांशु, कल के दिन पर अब सबकी निगाह टिकने वाली, और ऐसे में दोनों ही खेमे खुद को मजबूत करने की सभी कोशिशें कर रहे हैं, आप वहां मौजूद हैं, ग्राउंड पर क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सरकार के पास, जैसे मीनाक्षी आप बता रहे थे, नंबर की कोई कमी नहीं है, नंबर बहुमत से बहुत ज़्यादा है, लेकिन सरकार की एक ही दिक्कत है, कहीं शिवसेना जो है वो अंतिम समय पर जब वोटिंग होगी उस वक्त जो है वॉकआउट ना कर जाए, ये एक एम्बैरेसमेंट शायद सरकार को हो। उसके अलावा सरकार के पास नंबर पूरे हैं और सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाने को लेकर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन स्वीकार किया गया है उस पर कैसे जो है टीडीपी को घेरेगी और कैसे कांग्रेस के ऊपर वो आरोप लगाएगी कि जो वादे उन्होंने किए थे उससे ज़्यादा है, और जो सरकार जानती है कि जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस उसके ऊपर आक्रामक रुख अपना सकती है उनको उसने पहले ही, अगर कहें किसानों के मुद्दे के ऊपर एमएसपी को बढ़ा दिया, गन्ने के लिए गन्ना किसानों को जो है कर्ज माफी कर दी, और कल उन्होंने एक बड़ा एफआरपी पे जो है 20 रुपए बढ़ा के वो भी एक बड़ा कदम गन्ना किसानों के लिए लिया, और साथ ही साथ पेट्रोल की जो बढ़ती कीमतें थी उसको कहीं ना कहीं संयमित कर दिया है। तो जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जानती थी कि इस पर सरकार के ऊपर आक्रमक किया जा सकता है वो शायद अब नहा हो, और विपक्ष को घेरने के लिए सरकार ने जो है वो ट्रिपल तलाक से लेकर निकाय हलाला जैसे मुद्दों को लेकर जाएगी और ये पूछेगी कि आप इस पर क्या कहते हैं, आप कहां हैं। तो सरकार का एक मकसद ये भी है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को एक्सपोज किया जाए और ये बताया जाए कि विपक्ष जो है एकजुट नहीं है बल्कि बटा हुआ है। हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन आपने शिवसेना का जिक्र किया कि अभी उनका रुख साफ नहीं है, लेकिन क्योंकि दोनों पक्ष अपने अपने खेमे में नंबर्स को मजबूत कर रहे हैं तो सरकार को अपने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल की तरफ से भी पूरा आश्वासन मिल गया है। राज्यसभा सांसद नरेश गुजराल ने कहा कि वो पूरी तरह से सरकार के साथ है। ये अग्नि परीक्षा तो प्रेस ने बना दी है, मीडिया ने बना दी है, कोई परीक्षा नहीं है, सरकार के पास और एनडीए के पास पूरे नंबर है। और इस वक्त सदन में गृहमंत्री राजनाथ सिंह मॉब लिंचिंग को लेकर स्टेटमेंट दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। आप बोलते एक घंटा बोलते रहे तो नहीं होता है। यू वांट टू कंप्लीट, इनको एक मिनट, इनको कंप्लीट, यू हैव टू कंप्लीट इट, पूरा हिंदुस्तान नहीं लाना है यहाँ। नो मैडम, आई एम टेलिंग अबाउट दिस गवर्नमेंट एटीट्यूड, दिस गवर्नमेंट एटीट्यूड आल्सो वर्सनिंग द सिचुएशन इन द कंट्री। व्हाट हैपेंड अगेंस्ट द मिशनरीज ऑफ चैरिटीज, गवर्नमेंट इज मिसयूजिंग देयर एजेंसीज फॉर टारगेटिंग द डिफरेंट न्यू पीपल, देयरफॉर द सुप्रीम कोर्ट आल्सो इंटरवीन, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आल्सो इंटरवीन, सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अ डायरेक्शन। हो गया ना, बैठिए, हर को हर एक को नहीं बोलना है, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि देश के कई भागों में लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं जिनमें कि कई लोगों की जाने गई, और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि अध्यक्ष महोदया, ऐसा नहीं है कि विगत कुछ वर्षों में ही लिंचिंग की घटनाएं इस देश में हुई हैं, बल्कि मैं पूरी बात तो पहले सुनिए, शांति से सुनिए प्लीज, डोंट डू दैट। लिंचिंग की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन लिंचिंग की घटनाओं में जो भी हताहत होते हैं, जो भी मारे जाते हैं,
वह निश्चित रूप से किसी भी सरकार के लिए चिंता का विषय हो सकता है। और मॉब लिंचिंग के कारण जिन लोगों की भी हत्याएं हुई हैं अथवा जो भी घायल हुए हैं, उसकी मैं अपनी सरकार की तरफ से भी उसकी मैं भर्त्सना करता हूं, उसकी मैं आलोचना करता हूं, इस अप्रोच को मैं पूरी तरह से कंडम करता हूं। लेकिन सभी सम्मानित सदस्यों को इस बात की जानकारी होगी, इस प्रकार की मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं होती हैं अध्यक्ष महोदया, अफवाहों के आधार पर होती हैं, संदेह पर के आधार पर होती हैं, अनवेरीफाइड जो फेक न्यूज़ होती हैं उनके कारण भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। लेकिन राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी बनती है कि राज्य सरकार इस प्रकार की जो भी घटनाएं होती हैं उस पर जो है प्रभावी वह कार्रवाई करें, क्योंकि पुलिस हो अथवा जो है ये पब्लिक ऑर्डर हो, यह स्टेट सब्जेक्ट है, यह सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन यह स्टेट सब्जेक्ट होने के बावजूद केंद्र सरकार इस पर चुप्पी साध कर नहीं बैठ सकती। लगातार जब इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी तो तुरंत हमारी होम मिनिस्ट्री के द्वारा एक बार नहीं दो बार, एक बार तो 2016 में भी एडवाइजरी जारी की गई और फिर 2018 में जुलाई के फर्स्ट वीक में भी हम लोगों ने एडवाइजरी जारी की है। और जैसा अध्यक्ष महोदया मैंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से फेक न्यूज़ प्रोपगेट करने की कोशिश की जाती है उसके कारण भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदया हम लोगों ने जो सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे भी यह कहा है कि ऐसे फेक न्यूज र्यूमर्स रोकने के लिए अपने सिस्टम में वह चेक्स इंस्टॉल करें। यह जो सोशल मीडिया जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर्स को भी हम लोगों ने कहा है। और मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं और इस संबंध में जहां पर भी घटनाएं हुई हैं शायद कुछ घटनाओं के बारे में ऐसा हुआ हो कि संबंधित मुख्यमंत्री से हमारी बात न हुई हो, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं होने के बाद और उसकी जानकारी मिलने के बाद तत्काल उन मुख्यमंत्रियों से भी मैं सीधे बातचीत करता हूं और उनसे मैं यही आग्रह करता हूं कि जो भी इसमें अपराधी हों उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। श्री श्यामाचरण गुप्ता, अब हो गया। ऐसा नहीं होता। प्रश्न माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने जीरो ओवर जैसा ही काम किया, घरों में एक रूपता लाने के उद्देश्य से दिनांक 1/7/2017 से वस्तु एवं तो भीड़ की हिंसा पर यहाँ पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये सच है कि देश में इस तरह की हिंसा हुई है, ये घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन ये घटनाएं पहले भी होती रही हैं। पर सबसे अहम बात जो उन्होंने कही कि जिम्मेदारी सुनिश्चित करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर, ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि ऐसी घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए वो सख्त से सख्त कदम उठाएं और ऐसा सिस्टम बनाएं कि ऐसी घटनाओं को पहले से ही रोका जा सके। तो ये एक अहम बयान उन्होंने दिया, लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा कि केंद्र सरकार भी ऐसी घटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं। दो बार की एडवाइजरी का जिक्र गृहमंत्री ने किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी 4 हफ्ते का समय दिया था सरकारों को कि इस पर गाइडलाइंस को लागू किया जाए और कोई मैकेनिज्म बनाया जाए जिस पर फिर अगली सुनवाई में क्लैरिफिकेशन सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा। लेकिन कानून व्यवस्था को राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का मुद्दा बताते हुए गृहमंत्री ने कहा कि ये जिम्मेदारी राज्य सरकारों की बनती है, इस तरह की जो भी घटनाएं हुई हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इन्हें रोकने के लिए सिस्टम को और दुरुस्त करना होगा। सोशल मीडिया का जिक्र जरूर किया और कहा कि सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह से अफवाहें फैलती हैं उन्हें कैसे ही पहले रोक दिया जाए, इसे लेकर एक्सपर्ट्स की मदद ली जाए। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदया ऐसा नहीं है कि विगत कुछ वर्षों में ही लिंचिंग की घटनाएं इस देश में हुई हैं, बल्कि मैं पूरी बात तो पहले आप शांति से सुनिए, प्लीज डोंट डू दैट। लिंचिंग की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन लिंचिंग की घटनाओं में जो भी हताहत होते हैं, जो भी मारे जाते हैं, वह निश्चित रूप से किसी भी सरकार के लिए चिंता का विषय हो सकता है। और मॉब लिंचिंग के कारण जिन लोगों की भी हत्याएं हुई हैं अथवा जो भी घायल हुए हैं उसकी मैं अपनी सरकार की तरफ से भी उसकी मैं भर्त्सना करता हूं, उसकी मैं आलोचना करता हूं, इस अप्रोच को मैं पूरी तरह से कंडम करता हूं। लेकिन सभी सम्मानित सदस्यों को इस बात की जानकारी होगी, इस प्रकार की मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं होती हैं
अध्यक्ष महोदय, अफवाहों के आधार पर होती हैं, संदेह पर के आधार पर होती हैं, अनवेरिफाइड जो फेक न्यूज होती हैं उनके कारण भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। लेकिन राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी बनती है कि राज्य सरकार इस प्रकार की जो भी घटनाएं होती हैं उस पर जो है प्रभावी वह कार्रवाई करें, क्योंकि पुलिस हो अथवा जो है ये पब्लिक ऑर्डर हो, यह स्टेट सब्जेक्ट है, यह सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन यह स्टेट सब्जेक्ट होने के बावजूद केंद्र सरकार इस पर चुप्पी साध कर नहीं बैठ सकती। लगातार जब इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी तो तुरंत हमारी होम मिनिस्ट्री के द्वारा एक बार नहीं दो बार, एक बार तो 2016 में भी एडवाइजरी जारी की गई और फिर 2018 में जुलाई के फर्स्ट वीक में भी हम लोगों ने एडवाइजरी जारी की है। और जैसा अध्यक्ष महोदया मैंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से फेक न्यूज प्रोपगेट करने की कोशिश की जाती है उसके कारण भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदया हम लोगों ने इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा में भीड़ की हिंसा का मुद्दा उठा और इस पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि सरकार इसे लेकर गंभीर है, चिंतित है, लेकिन राज्य सरकारों की इस पर ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए वो कानून व्यवस्था को और दुरुस्त करें और कदम उठाएं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।